बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ, और तो भी बढ़िया नहीं हुए तो दीपा सैनी को पकड़ना, मेरे तो क्या दोष है इसमें। पकड़ना डॉक्टर साहब को चिंता होगी, पकड़ना नहीं कहना। और तुम्हारी इच्छा हो जो ही करो भैया, की बहू हो, मैं तो इतना लोड लेता नहीं हूँ। फोटो खींच रहे हो क्या? मैं बिल्कुल ही जल्दी में नहीं हूँ, लेकिन आप ये जो फोटो खींच रहे हो ना भैया, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करता है यूज, ये लड़कियां ज्यादा करती है। मैं देखो, मैं आपको सही बता दूं, मेरी नजर में मर्द औरतों से ज्यादा शरीफ होते हैं। असली बात नहीं है, रीजन बता के जाऊंगा मैं। मर्द बहुत शरीफ होती है, औरतें तो 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी ना तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। 50 रुपए की चप्पल लाएगी हटवाड़े में से, उसको भी पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने चप्पल खरीदी, देखो मैंने चप्पल खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है भाई साहब, 5000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। आप भी शरीफ होता, अब ये जो फोटो खींच रहे हो ना आप, ये जमाना गया, अब आदमी कम करता है यूज, लड़कियां ज्यादा करती है। अब इनको फोटो खींचना होगा तो ये मोबाइल निकालेगी। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोगरों का मुंह एक कैसा हो जाता है। जवाब नहीं भाई, अब जवाब नहीं है, तुम इधर आओ, सब इधर बटले हो, बटले हो रहे। अरे वाह, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अगर शुरू से इनको 100 बार तो कह दिया, आई नहीं रहे फिर कैसे। देखो रात की गए 12 बजे भाई साहब, दीपा जी ने मेरे को बुलाया था 19 तारीख को और नंबर आया 20 तारीख को। हालांकि पैसे 19 वाले में भी नहीं दे रही थी, तो मैं यू भी नहीं कह सकता, बोलो 19 को बुलाया था 20 को नंबर आया, जो पैसे डबल करो, ये पहले ही नहीं दे रही, जो क्या कर लो अपन। आप सब मस्ती के मूड में आ जाओ भाई साहब, आनंद के मूड में आ जाओ, और ये जो दो लोग जा रहे हैं इनको मैं श्राप दूंगा, घर की कुंडी तुमको अंदर से बंद मिलेगी, पट्टी पे ही सोना पड़ेगा बाल। देखो मैं ऐसी कोई फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे घोड़े जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं, जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है, जो दूसरा है वो एमबीए पास है वो भी बेरोजगार है, जो तीसरा है वो एमए है जो कोई भी कर लेता है वो भी बेरोजगार है, और जो चौथा है वो मैं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं थी, इसमें सीटी बजाने की बात भी नहीं थी, बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार नहीं बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो, गजब तो अब आएगा, गजब भी आएगा, आप टेंशन मत लो, मैं गजब ही करता हूं, गजब करता हूं जब ही तो 12 बजे नंबर आए ना। देखो ये एक इसको कोई मतलब नहीं, कभी समझे
इसके तो बाढ़ में जाओ। हालांकि वो भी बाढ़ में ही गया है, हालांकि इसी बाढ़ में दो बार मैं भी जा चुका हूं। तो कोई खास बात नहीं, लेकिन गजेंद्र भाई आपने बहुत अच्छा संचालन किया। मैं आपको पहली बार सुना, हालांकि जब मेरे को नाम सुना था तो मेरे को पता नहीं था आप कैसे होंगे, इतने अच्छे की उम्मीद नहीं करी थी मैंने। लेकिन आपने जिस तगड़े तरीके से हंसाया उस कवि सम्मेलन को बांधा, आप बधाई के पात्र हो और बहुत तालियां बजा दो भाई के लिए। और सब कवियों ने बढ़िया सुनाया। अब मैं यूं कहूं भाई, केसर जी ने बहुत अच्छा हंसाया, तो ये कोई खास बात नहीं है। जो भी नहीं हंसाओ तो कौन हंसाए फिर? हाँ, इतना बड़ा पोस्टर लग गया फिर और क्या भाई। केसर जी भी इतने बड़े कवि हो तो हंसाएंगे, लेकिन शंकर दादा ने, हमारे राज भाई ने और हमारे वीरदस वाले कवि ने बहुत बढ़िया सुनाया। और तुम्हारी मैं तारीफ करता हूँ ना, बहुत सारे वीरदस के कवि आजकल क्या करते हैं, वो आएंगे माइक पर और कहेंगे मैं प्रेम चुंबन जुल्फों वाले गीत नहीं लिखता। तो हमारे कोटा के बड़े कवि है दुर्गादान सिंह गोड, वो कहते हैं कि जिंदगानी की शाख जवानी, सजी धजी छह लाख जवानी, पण प्यार अगर जे न हो यो तो यूं समझो कि खाक जवानी। और अगर ये लिखेगा तो एक दिन लिखना सीख भी जाएगा। लिखना चाहिए, मैं तो खुद ही भी रस लिखता हूँ तो लिखना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं बोले मैं हंसी ठिटोली का व्यापार नहीं करता। अब एक ऐसे ही एक कवि ने कह दिया मंच पे, बोले मैं हंसी ठिटोली का व्यापार नहीं करता। फिर लास्ट में कवि सम्मेलन हुआ, फिर पेमेंट हुआ सबका, मेरा हुआ, फिर उसका हुआ, तो उसके 1000 रुपए कम निकले। तुमने पूछा भाई साहब 1000 कम है, बोला आपने ही तो कहा था आप व्यापार नहीं करते, जो कर दिया 1000 कम। रास्ते में मेरी गाड़ी में आया था, मैंने भी रास्ते में पेट्रोल पंप पे रोक दी, मैंने ढलवा, मैं तो करता हूँ व्यापार, तुम नहीं करे तो क्या करें। तो हालांकि मैं ऐसी कोई फालतू भोगट की बात नहीं करूंगा, मैं दिमाग की बात करूंगा। और दिमाग की बात, मैं तो अभी पिछले दिनों नैनीताल जा रहा था मेरी लुगाई के साथ, तो एक दोस्त मिल गया मेरे को, बोला भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नैनीताल जा रहा हूँ लुगाई के साथ। रस्ते में कोई डंकी खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का, जो कलेश खत्म, तो वो भी छाड़ा। बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैंने कहा ले तो जाऊं, लेकिन तेरी वाली के आते टाइम धक्का दे लूं तो। अरे वो मैं दिमाग से काम करता हूँ, क्या मतलब यार भाई साहब, ऐसे ही देश में बहुत सारी पीड़ाएं हो रही अपने को, क्या मतलब राजनीति बात कर रहे, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो पिछले दिनों एक अमेरिका का, एक इंडिया का और एक चीन का, तीन आदमी मिले गजेंद्र जी। तो अमेरिका का बोला भाई साहब हमने गुजरात के एक आदमी का दिल चेंज किया तो उसे साल भर में 5 लाख का काम मिल गया। दूसरा चीन वाला वो छाणा, बोला भाई साहब हमने एक आदमी की किडनी चेंज की गुजरात वाले की, उसको साल भर में 20 लाख का काम मिल गया। तीसरा इंडिया का था, बोला भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है, हमने 10 साल पहले गुजरात का एक आदमी चेंज किया था दिल्ली में, तब से सारा देश ही काम मांग रहा है। क्या टिप्पणी है, वाह। अब मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने एक बाबा जी है वो योगी जी, उनको वहां पे यूपी में मुख्यमंत्री बना दिया। एक पतंजलि वाले बाबा जी है उनको व्यापारी बना दिया, और देश में जितने व्यापारी है सबको बाबा जी बनाने में लगे हुए हैं। व्यापारी बाबा जी, अच्छी टिप्पणी है, अच्छी तो आएगी। और मैं, ये किसका है? ये दीपा जी का है, ये दीपा जी आपका है जी। अरे तो ठीक है, तुम्हारा वायरस तो ठीक रखो,
चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसके पापा कहाँ हैं? ये बेटे ने पास में आप ही हो। अच्छा ठीक, इनको कुछ मत कहना, पेमेंट करते कटेगा खा है ही। वो किराया दे दे जो ही बहुत है। मैं आपके कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। हाँ मैं एक तरफ हमला नहीं करता भाई साहब, देखो एक बाबूजी और आइए बैठो, बाबूजी स्वागत है आप। हाँ दादाजी हमारे लिए तो देखो सब कवि सम्मेलन के श्रोता हैं, तो हमारे लिए तो सब दादाजी हैं। बड़े हैं तो दादाजी है, बच्चे हैं तो ये है, ये भी केजरीवाल से तो कम नहीं बने, ये भी ये जिस तरह से उछल कूद कर रहा है नेताओं की। भाई साहब इस देश में क्या बात करें, जो इस देश में अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो अरविंद केजरीवाल। और मैं कह रहा था कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। ये कांग्रेस वाले जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने बीजेपी के, इंडिया के तो पहले नेहरू जी थे, बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, तो कांग्रेस वालों ने 13 दिन में सरकार गिरा दी अटल जी की, बोले कि अटल जी बिल्कुल अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को तो देश चलाना ही नहीं आता, ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे तो अडवाणी जी आए, फिर अडवाणी जी ने क्या करा, अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए, तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। सही बात है। फिर अडवाणी जी भी थोड़ा पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले चाय वाले, तो चाय वाले को देख के बोले ये तो और खराब है, इससे तो अडवाणी जी और अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। ताली बजानी तो एक बार सारे दोनों हाथ ऊपर उठा के बजाओ। देखो मैं आपको बताऊं, मैं किसी राजनीतिक वाजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, कोई बाद में टिकट दे दे तो और बात है, बाद की बात तो सोचेंगे यार, अभी से काई को देगा भाई मैं नहीं, फिर बाद में बच्चों की कसम खानी पड़े बोले गलती से आ गया, तो अपन ऐसे कोई कसम खाते नहीं है। लेकिन इस देश की प्रॉब्लम बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारी बात पे ही आता हूँ मेरे भाई, इस देश की दिक्कत क्या है, अभी राजस्थान में बरसात ज्यादा आ गई तो किसानों की फसलें खराब हो गई, झालावाड़ में बाढ़ आ गई किसानों की फसलें खराब हो गई, तो राजस्थान किसानों ने मुआवजा मांगा सरकार से, बोले मुआवजा दीजिए, तो विधानसभा में खड़े होकर एक बदतमीज नेता ने कहा किस बात का मुआवजा, अगर बरसात ज्यादा आ जाए तो ये किसान मुआवजा मांगने के लिए चले आते हैं, और बरसात नहीं आए तो भी ये मुआवजे की भीख मांगने चले आते हैं, किस बात का मुआवजा, इन किसानों की फसलें हमारी वजह से थोड़ी खराब हुई है। तो मैंने कहा नेताजी किसानों की तो केवल फसलें खराब हुई है, लेकिन आपका बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपकी नस्लें खराब हो चुकी है। वाह वाह। मैं तब इस मंच पर खड़ा होकर और ये राजस्थान वाले की और दिल्ली में बैठे धृतराष्ट्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। एक किसान का दर्द क्या है इस देश के, कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला, और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। आए, कमाल कमाल। वाह। पद्मश्री किसको मिलता है, चार ठुमके लगाकर नाचने वाली विद्या बालन को इस देश में पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। इस देश की दिक्कत यह है
एक लड़के ने गीत लिखा, हमारे एक दोस्त हुए मनोज मुंतजिर, उन्होंने लिखा कि ये मेरी जमी अफसोस न कर, तेरी रग रग में मेरा इश्क बहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बड़के में खिल जावा। उस गीत लिखने वाले मनोज मुंतजिर का इस देश में तिरस्कार किया जाता है, और अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था, क्या लेके जाएगा। जैसे गीतों को जब फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं, तब जाकर तुम वीर रस के कवियों को बोलना पड़ता है, और बोलना चाहिए। एक वेश्या पर फिल्म बनी गंगूबाई काठियावाड़ी, 2 से 5 हजार स्क्रीन पर रिलीज किया गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर रिलीज हुई फिल्म पर पूरे देश में लोग कहने लगे, बोले रिलीज मत करो, रिलीज मत करो। तब बोलना पड़ता है, और माफ करना इस देश में विद्या बालन को, वो भोपाल के नवाब की रखेल, वो करीना कपूर, वो कहती है कि मूर्ख है ये हिंदुस्तान की औरतें जो करवा चौथ का व्रत रखती है। अब उस मूर्ख को क्या मालूम, जब हिंदुस्तान की औरतें अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, सच में उनकी उम्र बढ़ जाया करती है। और ये करीना कपूर, ये विद्या बालन, ये आलिया भट्ट, ये हमारी हीरोइन नहीं है, ये हमारी नायिका नहीं है मेरे भाई। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो दूध पीते बच्चे को कमर पर बांध कर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। हमारी नायिका अगर कोई है तो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी है, जो जलना पसंद करती है मगर किसी अलाउद्दीन खिलजी के आगे झुकना पसंद नहीं करती। और माफ करना, यह विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है, अक्षय कुमार ये और बड़ा वाला, 10 साल पहले अक्षय कुमार कहता था हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और, और आज कोई भी फिल्म देखने जा रहा थिएटर में, उसमें सबसे पहले एड आता है, उसमें कहता है सिगरेट का ही कुछ पी रहे हो, इससे तो बीवी के ये आ सकता था। तो भाई या तो ये कह ले, ये कह ले, ये शाहरुख खान, वो आमिर खान और आगे, वो आमिर खान ने कहा, बोले मेरी लुगाई कहती है देश में रहने से डर लगता है, इसलिए देश छोड़ दो, यहाँ लोगों से तानसेन नहीं छूट रही, यहाँ लोगों से दारू नहीं छूट रही, और वो लुगाई के कहने से देश छोड़ रहा। और आमिर खान भी इंटेलिजेंट भाई साहब, उसने देश तो नहीं छोड़ा, उल्टा लुगाई छोड़ दी। माफ करना, ये आमिर खान, ये शाहरुख खान, ये अक्षय कुमार, ये अजय देवगन, ये हमारे हीरो नहीं है। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है, या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। हालांकि ये सीरियस बातें मेरे को नहीं करनी थी, लेकिन ये मेरे को इसलिए करनी पड़ी, किसी ने करी नहीं। भाई अपने क्या जा रहा है यार, आदमी को मस्त रहना चाहिए, किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। हम तो आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चोमू में इतना ये यादगार जो कवि सम्मेलन हुआ है ना, कि रात को 12 बजे 12:30 बजे आप लोग बैठे हुए हो, दीपा सैनी आपको बहुत बहुत बधाई, इससे अच्छा कवि सम्मेलन हो भी नहीं सकता था, और होता तो हो जाता, अब उसमें होता भाई जो हो रहा है, भगवान कृष्ण ने कह दिया जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, उसमें क्या तकलीफ है। लोग, मैं दुनिया में भाई साहब किसी से भी सावधान नहीं रहता, मैं सबसे ज्यादा सावधान रहता हूँ बीड़ी पीने वालों से। बीड़ी पीने वालों को तो मैं 10 कदम दूर ही रखता हूँ, क्योंकि उनको साथ में बिठा लो हर बात में वो कहेगा भाई साहब अग्नि आप में झूठ नहीं बोल रहा। और फिर वो बीड़ी पीने वाला ये और बोलेगा भाई साहब मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे दादाजी तो एक दिन जा रहे थे जंगल में, उन्होंने भूत से लड़ाई लड़ी, एक पांव था ना मुझे राक्षस का। तो बीड़ी पीने वालों से, अब पिछले दिनों क्या हुआ, हमारे पड़ोस का एक लड़का आ गया मेरे पास, बोला बेला जी ज्ञान दो। मैंने क्या ज्ञान चाहिए तेरे को, बोला भाई साहब ज्ञान दो। मैंने कहा ज्ञान क्या चाहिए, बोले भाई साहब अगले महीने मेरी शादी है,
ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई मेरे हमेशा संपट में रहे। अरे मैंने कहा ऐसा तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, फिर वो कहां से देऊं। मैं तो दुनिया में गजेंद्र भाई, मैं पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं सीआई साहब वाइफ, वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत किसी की करता हूं तो केवल पुलिस वालों की करता हूं, क्योंकि वापस भी तो जानूं भाई साहब उनको ये छोड़ी देना। पुलिस वालों की करता हूँ, दूसरी मेरी लुगाई की करता हूँ। और मैं लुगाई की इज्जत, मैं कोटा में एक दिन घूम रहा मेरी लुगाई के साथ, वो हाथ में हाथ डाल गया तो एक केसर देव जी मिल गए मेरे को और वो बोलो बड़ा प्रेम करते हो तुम तो हाथ ही नहीं छोड़ रहे। अरे मैंने कहा इसका हाथ छोड़ता हूँ ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है। अरे वहां की बात नहीं, कभी सोने चांदी में घुस जाए, साड़ी तक तो ठीक है। अब अच्छा घुस जाती है गजेंद्र भाई, घुस जाती है जो तो कोई बात। एक दिन वो घुस गई साड़ी की दुकान में, उसने 500 साड़ी पलट पलट के देखी, उसको कोई पसंद नहीं आई। दुकानदार दिखाते दिखाते ही थक गया, फिर बोली भाई साहब वो वाले डिब्बे में क्या है वो निकालना। बोला मैडम मेरे खाने का टिफिन है वो। अब उसको भी चरोगी क्या। लेकिन मैं मेरी लुगाई की इज्जत इसलिए करता हूँ सर, क्योंकि उसने 500 साड़ी पलटी, खरीदी एक भी नहीं। फिर मैंने सोचा इसने मेरे को भी चुना है, इस पे ताली बजाओ रे। वरना मेरे जितना दिमागदार आदमी तो आपको कहीं मिले ही नहीं। पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे से, वही वाला जो आपसे इंग्लिश में पूछ रहा था, मावा पूछ रहा था, हाँ गुलाब जामुन। अब वैसे आप देखो जो आपकी मावे वाली बात थी ना वो बिल्कुल सही है। ये कवि सम्मेलन जब शुरू हुआ था तो ये भी दूध की तरह ही था ना, उधर थे उधर सब बैठे थे, फिर क्या दूध ज्यादा हुआ। अब देखो सारा मावा ही मावा बैठा है। अरे बढ़िया ही बात नहीं है, 15 मिनट बाद तो चक्की काटनी पड़ेगी। और बहुत बढ़िया मेरे भाई, आपने बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन करवाया, और ऐसे ही कराते रहो, हमारा तो खर्चा पानी से ही चलता है, इसलिए कराना चाहिए। आपने मेरे को माला पहनाई, अब आप मेरी लुगाई हो गए। हालांकि कंफर्म नहीं है आप हुए कि नहीं हुआ, और कोई तो हुआ। और नर को माला नर पहनाए ये ही अजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। भाई साहब बढ़िया करता है, इतनी दूर चोमू आ गया तो बढ़िया ही करूंगा ना। हम बढ़िया ही बात नहीं है भरत भाई, हम कवि क्या है, हम 50% पागल होते हैं। आप 100% पागल तो वो होता है जो हमको बुलाता है। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा कि भरत जी ने बुलाया कि दीपा जी ने बुलाया। वो बाबूजी भी हंस रहे थे। यही है बाबूजी, मेरी लड़ाई किसी पाकिस्तान से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी चाहे पाकिस्तान से क्या लड़ाई लड़ो, मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा। जब भी मन में आती उसी के दो लात देता हूँ, मस्त रहता हूँ, कौन टेंशन पा रहा है। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का राहुल पिंडी लाल कर देता हूँ। राहुल पिंडी लाल जवाब नहीं, जवाब करना पड़ता है राहुल पिंडी। देश में ऐसी इतनी समस्याएं होगी बिना बात की, लोग परेशान हो रहे, खाई परेशान हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, बहुत सारे मेरे से कह रहे थे बोलो ये वाला जरूर सुना देना, ये वाला जरूर सुना देना, तो मेरे क्या है सुना देता हूँ अपनी क्या जरा है। तो पहले मेरा ये वाला रह गया था, पहले ये वाला सुनो। मेरे को मालूम नहीं रहता कौन सा वाला खास शुरू हो रहा है, कौन सा वाला कहाँ।
देखो चल गए ना गोभी, जो भी सोच ले बहुत देर खड़ा रहेगा, ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना, ज्यादा देर खड़े रहने से पग भारी हो जाते हैं, और पग भारी होना मर्दों के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। तो मेरे पड़ोस का लड़का आ गया एक मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे संपट में रहे। अरे मैंने कहा ऐसा मेरे में ही नहीं है, खासे दूं? बोले यार बिला जी, आप तो इतने बड़े कवि हो, आप नहीं दे सकते तो फिर कौन देगा? तो मैंने कहा ठीक है ले जा ज्ञान। बोला क्या करना है? मैंने शादी कब है? बोलो भाई साहब अगले महीने 19 नवंबर को। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास एक ब्लेंडर की बोतल ले जाके रख देना, कंपनी टू डिसाइड कर लेना कौन सी वाली लेनी है, पर दारू की ले जाके रखनी है। फिर लुगाई देखते ही कहेगी ये कौन सा पति मिल गया मेरे को शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल, भाई ओपनिंग में ही। तो ले जाइए बोतल रख देना, लुगाई भड़क जाएगी, बोले ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया शादी के पहले ही दिन ये दारू की बोतल लेके आ गया, मेरे तो कर्म फूट गए, ऐसे ऐसे कहेगी वो। तो कहते ही उसके सामने धच करके फोड़ देना उसको, बोलना कि तेरे प्यार में हाथ से बंद, बीता तो तू है ही नहीं, तो फोड़ देते, कहते ना तेरे प्यार में हाथ से बंद। उसने भाई साहब ऐसे ही करा, जैसे ही उसकी शादी पहले ही दिन लुगाई के पास दारू की बोतल ले जाके रखी, लुगाई दारू की बोतल देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन आपके सोडा डालना, मैं तो नींद ही पीती हूं। कमाल नहीं कर। ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो। मैं सारे सुनाऊं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच बीच में मैं गियर चेंज करता रहता हूँ। आओ भाई साहब, राहुल वाली पार्टी से तो नहीं आए ना, आजकल आ जाते हैं पता नहीं पड़ता है? तो किसी में भी हो तो मैं दूसरे वालों को भी खा छोड़ रहा। ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो, दिल्ली से अमरीका तक तुम अपना साला देख लो राहुल गांधी। ओ ऐसे में तो दिल्ली का युवराज कहां से लाओगे, कब तक बैंकॉक में रहकर चिंतन करते जाओगे। ओ उससे क्या लड़ना कि जिसने अपनी सीमा तोड़ दी, मोदी जी को माफ करो उनने तो खुद की छोड़ दी। ओ सभी कुंवारे भरे पड़े हैं दिल्ली के दरबार में, और अगली लाइन पर मेरे को सबकी